नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ बेहद ही दुर्लभ और अनोखे पक्षियों के बारे में, जिन्हें देखने के लिए आप लोगों के पास समय के साथ साथ नसीब भी होना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, फ्रिगेट बर्ड। दोस्तों, फ्रिगेट बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि बिना खाए पिए 7 दिनों तक हवा में उड़ सकता है। दोस्तों, ये पक्षी दूसरे पक्षियों का खाना चुराने में भी काफ़ी माहिर होता है। जब ये समुद्र के ऊपर से उड़ता है तब यह हवा में उड़ने वाली मछलियों को हवा में ही पकड़ लेता है। दोस्तों, इस पक्षी के गले के पास एक लाल रंग का गुब्बारा होता है, जिसे जब ये फुलाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गुब्बारा अब फट जाएगा। अगर आप लोग इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पे पाया जाता है। नंबर दो, टेरर बर्ड। दोस्तों, टेरर बर्ड शुतुरमुर्ग की तरह दिखता था, लेकिन एक्चुअली में ये शुतुरमुर्ग नहीं था। ये शुतुरमुर्ग से पूरी तरह से अलग था। दोस्तों, इनके कंकाल सबसे पहले साउथ अफ्रीका में खोजे गए थे, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले के बताए जाते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पक्षी पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करते थे और इनका वजन लगभग 40 किलो हुआ करता था। इनके लंबे लंबे पैर होते थे, जिनकी सहायता से ये बहुत तेज़ी से दौड़ करके अपने शिकार को पकड़ लेते थे। नंबर तीन, गोल्डन फिजेंट। दोस्तों, ये पक्षी मुख्य तौर पर चाइना के वेस्टर्न माउंटेन में पाया जाता है और ये पक्षी अपने आप में बेहद ही यूनिक और अनोखा माना जाता है, क्योंकि इस पक्षी का कलर इसे दूसरे पक्षियों से पूरी तरह से अलग और सुंदर बनाता है। दोस्तों, इस पक्षी का सबसे यूनिक फीचर यह है कि इस पक्षी के पूंछ की लंबाई इसके शरीर के मुकाबले 2 गुनी होती है। दोस्तों, ये पक्षी अपने आप में बेहद ही दुर्लभ और रेयर माने जाते हैं, इसीलिए अगर आप लोग इन पक्षियों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। नंबर चार, वोगेल कोप। दोस्तों, ये पक्षी मुख्य तौर पर गुयाना में पाए जाते हैं और ये पक्षी जब नाचते हैं तो बेहद ही सुंदर और काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। इस पक्षी के पंख अपने आप में इतने यूनिक और सुंदर लगते हैं कि इसे देखकर के कोई भी इस पक्षी की ओर अट्रैक्ट हो सकता है। दोस्तों, ये पक्षी ऐसा अमूमन नाच करके अपनी फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करता है और कभी कभी अपने दुश्मन जीवों को डराने के लिए भी ये अपने पंखों को खोल लेता है। नंबर पाँच, फिलीपींस ईगल। दोस्तों, फिलीपींस में पाए जाने वाला ईगल दुनिया का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है, जिस कारण से ये फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी भी है। दोस्तों, ये ईगल अपने से बड़े साइज के जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, ये ईगल अब बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, जिस कारण से फिलीपींस के अंदर इनके शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर फिलीपींस में इनका शिकार किया जाता है तो शिकार करने वाले व्यक्ति को 12 साल तक की जेल हो सकती है।